All right, so good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Sandeep Shah back with a new video and you're watching Imperial Rider. So guys, क्या हाल चाल आप सभी लोगों की? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे. सो आज हमारी बाइक को फाइनली 10 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं. फुल पार्टी वाली न्यूज़ है, बट पार्टी होगी 1 ईयर कम्प्लीट होने के बाद. तो आज की बात मैं अगर करूँ तो मेरी बाइक को 10 मंथ कम्प्लीट हो चुके हैं, आपको पता है. लेकिन क्या आपको ये पता है कि मेरे को उसकी 9 मंथ में फोर्थ सर्विस करनी थी, जो कि मैंने मिस कर दी. क्योंकि शोरूम आपको पता है ये लॉकडाउन की वजह से सारे बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे शोरूम सारे खुलने लगे थे. और उसके बाद मेरी फोर्थ सर्विस तभी भी पेंडिंग चल रही थी, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था. सबकी बाइक को सर्विसिंग की ज़रूरत थी और लॉकडाउन में आपको पता है शोरूम बंद हुआ, जिसकी वजह से सारे के सारे सर्विस करा रहे थे लॉकडाउन खत्म होने के बाद. तो अभी ये सारा शेड्यूल बहुत रश में स्टार्ट हो रहा है, आई एम सो सॉरी, बट मेरे को जल्दी से जल्दी शोरूम पहुंचना है, फोर्थ सर्विस करनी है. उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीन हुआ. सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फोर्थ सर्विस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, फोर्थ सर्विस की प्राइस क्या होती है, और फोर्थ सर्विस के बाद बाइक की परफॉर्मेंस कैसी होती है. फिलहाल बाइक की परफॉर्मेंस की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा अकड़ के चल रही है. जैसे किसी बाइक को सर्विस की नीड होती है तो वही वाला सीन चल रहा है, बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा. बहुत देर हो चुकी है, बहुत बातें हो गई. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे. ओके सो गाइस, फाइनली हम बाइक पे पहुंच चुके हैं, लेकिन बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी है. अभी निकलते हैं फटक से. पहले मेरे को अंकू को पिक करना है और वो यहीं कहीं पड़ा होगा. आइए हीरो और बॉय, क्या हाल है बाइक के, क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो. सो गाइस, हमारा ट्रेवल पार्टनर यही है. ओके सो गाइस, निकल पड़े हम अपनी फोर्थ सर्विस की तरफ शोरूम के लिए. आई होप सो आज अपॉइंटमेंट ले लूँ मैं फटक से और मेरा नंबर फटक से आ जाए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ डेली की डेली लगी पड़ी है. सारे के सारे सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं और आज अगर मेरा नंबर नहीं निकला तो उस धूप में कौन खड़े रहेगा. वैसे अगर मैं बात करूँ मौसम की तो आज मौसम बहुत मस्त हो रखा है और सर्विस कराने निकल पड़े हैं. देखो तब आज कितने का बिल बैठता है. उम्मीद तो है कि कम का ही बिल बैठे, लेकिन अगर ज़्यादा का बैठेगा तो ऐसी कम तैसी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पैसे लेके नहीं गया हूँ मैं. मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास है पैसे. ओके तो क्या सीन है कि मेरे को अपाचे में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है. पहला, इसका जो पीछे का ब्रेक है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम लग रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं इसके ब्रेक शूज़ ना घिस गए हों. फिर उसके बाद मेरे को सेकंड प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो ये है कि ये जैसा ट्रैफिक है तो बहुत कम चांस, बट ये मिसिंग मार रही है हल्का हल्का सा. तो मेरे को ये दिखाना है शोरूम में कि कहीं इसके स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर उसे चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है. और बात करूँ मैं फोर्थ सर्विस की तो इसकी डिमांड क्या होती है. फोर्थ सर्विस आपकी होती है 8500 किलोमीटर से लेके 9000 किलोमीटर तक बाइक रन होनी चाहिए या फिर 9 मंथ कंप्लीट होने चाहिए. मेरा 8500 किलोमीटर तो नहीं है, बट 9 मंथ इसको कंप्लीट हो चुके हैं. और अगर मैं बात करूँ किलोमीटर्स की तो मेरा 5460 किलोमीटर चल चुकी है बाइक. बाइक बहुत कम चली है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं ट्रिप व्रिप बिल्कुल प्लान नहीं हो रही थी. सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम TVS के शोरूम. ये रहा मेरी राइट साइड TVS का शोरूम और यहाँ आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है. अब अपॉइंटमेंट मिलता है या फिर नहीं ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा. सो गाइस, ये रहा TVS शोरूम करण प्रयाग. ओके सो गाइस, ये रहा मेरे हाथ में कूपन रुद्र ऑटोमोबाइल्स. अभी जाना है वॉशिंग के लिए. चाबी ये हमारे डीजी सीख जाएगा, जल्दी सीख जाएगा बहुत जल्द. अभी ट्रेनिंग चल रही है इनकी. चला जा.
सो गाइज अभी TVS में वॉशिंग का अभी भी नहीं खुल पाया, मतलब बस कुछ दिन और खुल जाएगा शायद मेरी नेक्स्ट सर्विस तक, होप सो खुल जाए। बस यहाँ से हमें कूपन मिल गया, थोड़ी दूर जाना है वॉशिंग के लिए और वहाँ पे फ्री में वॉशिंग करवा के हम वापस TVS में चले जाएंगे। तब तक शायद पूरी की पूरी भीड़ ख़त्म हो जाएगी और हमारा नंबर ईजीली आ जाएगा। गाइस वॉशिंग करा के लेके आ चुके हैं कम्प्लीटली, अभी आपको सीधा मिलते हैं TVS शोरूम का रेंट ब्रैक में। सो गाइस ये रही हमारी बाइक, आ चुका है हमारा नंबर और अब आपको फटाफट बताते हैं कि क्या होता है फोर्ड सर्विस और अपाचे RTR 164 भी BS6 में। अभी एयर फिल्टर खोला जा रहा है और अभी पता चलेगा कि इसकी कंडीशन चेंज करने लायक है या फिर यही रहेगा। चेंज हाँ, पिछली बार चेंज होगा ना, नहीं होगा। सो गाइस देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर 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 एक हसीना, बड़ी सुंदर सुंदर ये देखो। तो अभी इसकी कंडीशन उतनी बेकार नहीं है तो ये टिक सकता है और नेक्स्ट सर्विस पे तो ये बिल्कुल से चेंज होगा। ओके सो गाइस ये इसके इंजन ऑयल की कुछ ऐसी हालत हो रही है, ऑल ब्लैक और वैसे भी एक महीना पूरा डिले है तो बुरी कंडीशन, बहुत बुरी। लेकिन जब नया इंजन ऑयल डल जाएगा तो बाइक की परफॉर्मेंस फुल बवाल होने वाली है। सो गाइज ये रहा कुछ आयरन मैन का हार्ट इस ब्लैक इंजन ऑयल में डूबा हुआ, दिख भी नहीं रहा है ये देखो थोड़ा सा। और अभी नया हार्ट बिल्कुल ब्रांड न्यू मंगाया है हमने, अभी वो लगने वाला है, फिर इसमें नई जान आ जाएगी। सो गाइज अभी इसमें इंजन ऑयल डल रहा है और ये इंजन ऑयल है TVS का ट्रू फॉर सिंथेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम में यही इंजन ऑयल डलता है 1.2 लीटर का और इसकी प्राइस है 685 रुपीज़। सो गाइज अभी चेक कर रहे हैं कि इसके ब्रेक शूज़ चेंज करने लायक हैं या फिर यही रहेंगे। ओके सो गाइज ये हैं इसके ब्रेक शूज़ जिनकी कंडीशन अभी बहुत सही है, मतलब अभी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जानना है कि आपके ब्रेक शूज़ कब चेंज होने वाले हैं तो जो ये डिस्क पैड रहता है ना, अगर इस पे चारों तरफ लोहे के निशान लगने स्टार्ट हो जाते हैं तो कन्फर्म है कि आपको ब्रेक शू चेंज करवाने की ज़रूरत है। ओके सो इसके डिस्क पैड उतने नहीं घिसे थे तो चेंज नहीं किया, अभी सही है। सो ये चैन ऑयलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और ये था मेरा लास्ट डाउट कि इसका स्पार्क प्लग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो स्पार्क प्लग की कंडीशन अभी सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इन इनफैक्ट बहुत अच्छी कंडीशन है। तो शायद वो इस वजह से हो रहा होगा, मैंने पूछा था तो शायद वो इस वजह से है कि 2 महीने गाड़ी खड़ी थी, बिल्कुल भी चालू नहीं हुई थी तो उस वजह से बैटरी डेड हो गई होगी, इसीलिए मिसिंग मार रही थी। ओके सो गाइज अभी भैया राइड पे जा रहे हैं, अगर कोई भी उनको प्रॉब्लम लगेगी तो वो बता देंगे, जो जो प्रॉब्लम मेरे को फेस हुई थी मैंने आपको बता दी, अगर और कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो भैया भी हमको बता देंगे। कोई दिक्कत आपका? ओके सो गाइज हमारी अपाचे RTR 164 BS6 की फोर्थ सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, बात करते हैं बिल पेमेंट की और देखते हैं बिल कितने का बनता है। मेरा ऑयल फिल्टर हो चेंज, एयर फिल्टर तो नहीं हुआ और इंजन ऑयल हो गया।
ओके सो गाइज, इसकी फोर्थ सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, पेमेंट मैंने कर दी है। और बात करूँ मैं परफॉर्मेंस की, तो ऐसा लग रहा है मानो गाड़ी हाथ से छूटना चालू हो गई है। ऐसा लग रहा है गाड़ी एक जगह रुकने से रही, भागना चाहती है बहुत तेज़। बोले तो इसका पिकअप इंक्रीज हो चुका है, माइलेज इसका बढ़ चुका है। और अब बात करें स्मूथनेस की, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ, पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा है कि भाई हाँ सर्विस हुई है, बवाल चीज़। ओके सो गाइस, करा के लेके आ चुके हैं अपाची आरटीआर 164 BS6 की फोर्थ सर्विस, फाइनली डन हो चुकी है। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि कब सर्विस डन हो, कब सर्विस डन हो। डेली शेड्यूल बिजी चल रहा था, बट अपना नंबर आ गया। सो अगर मैं बात करूँ कि कितने में हुई हमारी सर्विस, तो बहुत चीप प्राइस, बहुत कम, जितने में हमारी नॉर्मल सर्विस होती है उतनी। सो गाइस, सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो वो है 730 रुपीज़। आप बिल देख सकते हो। और इसमें क्या क्या सीन हुआ, क्या क्या चेंज हुआ, सबसे पहले हमने इंजन ऑयल चेंज करवाया जो था 685 रुपीज़ का। सेकेंडली हमने ऑयल फिल्टर चेंज करवाया जो कि था 50 रुपीज़ का। फिर उसके बाद एयर फिल्टर की बारी आती है, तो एयर फिल्टर का क्या सीन था कि जो एयर फिल्टर है उसकी कंडीशन अभी सही थी, क्योंकि गाड़ी कम ही किलोमीटर चली थी, 5460 किलोमीटर्स, बहुत कम था फोर्थ सर्विस के हिसाब से। तो एयर फिल्टर चेंज नहीं किया हमने। और फोर्थ सर्विस के बाद अब मेरे को जिसमें इंटरेस्ट है वो है कि यार इसका माइलेज फोर्थ सर्विस के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इसका माइलेज टेस्ट दोबारा देखना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब इसकी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई थी तब इसने 50 का माइलेज दिया था, तो इसकी अब फोर्थ सर्विस डन हो चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा माइलेज देने वाली है। गाइज, वीडियो पसंद आई थी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल कर दो सब्सक्राइब, कमेंट मार देना एक प्यारा सा, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ, राइट।